स्वागत है आज के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आज माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज द्वारा वर्ष 2024 की हाई स्कूल थर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का सामान्य कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जय स्टूडेंट्स, और मैंने अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाकर बताया था जैसा कि दिसंबर के आपके फर्स्ट वीक में आपके स्टूडेंट्स जो है डेट शीट आ जाएगी और आप देख सकते हैं बिल्कुल आ गई है। और मैंने ये भी बताया था कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में आपके एग्जाम चालू होंगे और आप देख सकते हैं तीसरा सप्ताह मतलब 21 तारीख और स्टूडेंट्स आज 22 तारीख है, देख लीजिए आप 22 तारीख से एग्ज़ाम आपके चालू हो गए हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, चलिए बिना देर किए आपको पूरा परीक्षा कार्यक्रम बता देते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ मिलती हैं वो आपको मिलती रहती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए फटाफट से देखते हैं और बताते हैं आपको कौन कौन सा कार्यक्रम आपका कब है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं 22 फरवरी 2024 को हाई स्कूल का जो है वो प्रारंभिक हिंदी है और कक्षा 12 का उस दिन शाम को सामान्य हिंदी है, यानी कक्षा 12 का जो समय है स्टूडेंट्स वो 2:05:15 तक और हाई स्कूल का जो समय है वो 8:11:45 तक। चलिए उसके बाद देखते हैं 23 फरवरी को स्टूडेंट्स हाई स्कूल में कोई भी एग्जाम नहीं, यानी पाली और अरबी भाषाएं ले रहे थे तो लोग यहाँ पर नागरिक शास्त्र इंटर का पेपर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 27 फरवरी को आप देख सकते हैं कि जो है मंगलवार को दिन पड़ रहा है, तो इस दिन गणित का पेपर है हाई स्कूल वालों का और 12 वालों का, ये कोई भी एग्जाम मतलब ऐसे ही नॉर्मली दे रखा है यहाँ पर, अगर आपको कोई सब्जेक्ट मिलते हैं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें स्टूडेंट्स आगे, तो हाई स्कूल वालों का 29 फरवरी को पड़ रहा है विज्ञान का पेपर जी स्टूडेंट्स, और उसी दिन शाम को जो है यानी कि 2:05:15 तक 12 वालों का जीव विज्ञान इनका है यानी बायो, और उसी दिन मैथ्स का पेपर पड़ रहा है स्टूडेंट्स किसका 12th वालों का, ठीक है। तो आगे चलिए देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पर आगे आएंगे देखेंगे है ना, तो 2 मार्च को 12 वालों का अंग्रेजी का पेपर पड़ रहा है स्टूडेंट्स। और उसके बाद आगे आइए, आगे आने पर आप देख सकते हैं कि 4 तारीख को जो है अंग्रेजी का पेपर पड़ रहा है किसका 10th वालों का, और उसी दिन शाम को स्टूडेंट्स यानी 4 तारीख को ही शाम को जो है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पेपर पढ़ रहा है जिनका एजुकेशन है उनका शिक्षा शास्त्र पढ़ रहा है। आगे आएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लीजिए मंगलवार के बाद 5 तारीख को सुबह 8 बजे से गृह विज्ञान होगा लड़कियों के लिए और 12th वालों का ये कोई एग्जाम नहीं है ना। आगे आइए उसके बाद देखिए भाई, तो यहाँ पर जो है 5 तारीख को जो है कंप्यूटर है 10th वालों का और 12th वालों जिन्होंने भूगोल दे रखा उनका भूगोल का पेपर है। आगे आएंगे उसके बाद देखिए भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 तारीख को यानी 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान है 10th वालों का और 12th वालों का फिर से कोई एग्जाम नहीं उस दिन। आगे आएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से जो है 8 तारीख को यानी 8 तारीख को या 8 तारीख है तो इस दिन रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, नीचे लगा स्लाइड करके दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए आप दिखा हुआ 7 तारीख, सॉरी स्टूडेंट्स 7 तारीख को जो है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पेपर है। आगे आएंगे देखेंगे उसके बाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से जो है 2:15 शाम के समय गणित तथा प्रारंभिक कृषि गणित यानी इनकी कृषि गणित है संस्कृत अंकृत का एग्जाम है और ये स्टूडेंट्स पूरी तरीके से सच्ची खबर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव के हस्ताक्षर हैं, तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते स्टूडेंट्स की ये खबर जो है इस बार फेक आई हुई, यहाँ पर हस्ताक्षर हैं तो बिल्कुल ये खबर जो है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल 100% सही है और आप इस पर भरोसा करें और 22 फरवरी से आप अपने एग्जाम को मानकर तैयारी करना प्रारंभ कर दें स्टूडेंट्स। आप ज़्यादा दिन नहीं बचा है, चैनल पर पूरी तरीके से बेस्ट स्ट्रेटजी लाई जाएगी और आपको पढ़ने के बेस्ट तरीके बताए जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती है। तो आज चलिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक, जय हिंद वंदे मातरम।